What's up everyone? Welcome back to the channel. तो fundamentals में मैंने आपको बहुत सारे concepts बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज छोटे से छोटा point with basics cover कराया है. आज हम कुछ topics और सीखेंगे so that हम typical questions की तरफ move कर पाएं. आज हम charge versus appropriation एक बहुत important concept है उसको सीखेंगे और interest on capital के कुछ अलग various difficult cases हम लोग आज cover करने वाले हैं. तो काफ़ी important video रहेगा. इस topic पे question ज़रूर पूछा जाता है exam में, तो बहुत ध्यान से समझना और साथ साथ notes बनाना और questions practice करना. चलिए let's begin. शुरू करते हैं गाइस. सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो अपनी नोट्स नोटबुक में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. अब इस टॉपिक को समझने के लिए, पहले आप हेडिंग डालो आराम से, इसको समझने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे. एक तो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा हमारे पास जो आता है वो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दूसरा आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब आपको ये समझना है कि ये जो पी एंड एल अकाउंट है इसी का एक्सटेंशन है. ये हम पहले से सीख के आ रहे हैं, हमें पता है ये कि इसी का एक्सटेंशन है. ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं, इस पर्टिकुलर अकाउंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं आर डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट्स. इसका मतलब यहाँ पे आईओसी होगा या नहीं होगा, यहाँ पे सैलरी होगा या नहीं होगा, कोई भी बोनस देंगे या नहीं देंगे, कोई भी कमीशन देंगे या नहीं देंगे, कोई भी रिजर्व बनेगा या नहीं बनेगा, क्या ये सब इस प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है? अगर ये प्रॉफिट होगा तो इसी प्रॉफिट में से तो आईओसी देंगे, इसी प्रॉफिट में से तो सैलरी देंगे, इसी प्रॉफिट में से तो बोनस कमीशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं क्या ये सब इसी प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है कि प्रॉफिट होगा तो ये सब दिया जाएगा? अगर ये प्रॉफिट ही ना हो सर, अगर हमारे पास प्रॉफिट ही ना हो, फर्म लॉसेस में चली जाए तो क्या लॉस के केस में ये सब देते हैं? द आंसर इज नो. अगर लॉस है तो लॉस के केस में ये सब नहीं दिया जाता. अगर फर्म लॉस में है तो पार्टनर कहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको, कहाँ से पार्टनर को सैलरी मिल रही है? देखो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो ना कि एक फर्म है और दो पार्टनर्स हैं. बेसिकली ये फर्म भी तो पार्टनर्स की ही है. अगर फर्म लॉस में जा रही है और ये तब भी आईओसी डिमांड कर रहे हैं तो भैया जेब से तो पैसा तुम्हें ही लगाना पड़ेगा, एक जेब से डाल के दूसरी जेब में निकाल लो, बात तो वही आ गई. तो आप ये समझो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब पार्टनर्स के खुद के लिए होती हैं, पार्टनर्स को खुद मिलती हैं. तो अगर फर्म लॉस में होगा तो ये सब नहीं मिलेगा भाई. और रिजर्व फर्म फ्यूचर के लिए बनाती है, वो भी जब फर्म कभी बंद होगी तो ये रिजर्व भी पार्टनर को ही मिलना है, तो पैसा तो पार्टनर का ही है. अगर फर्म लॉस में है तो ये सब नहीं मिलेगा. तो जितनी भी आइटम्स प्रॉफिट पे डिपेंडेंट हो और तभी दी जाए अगर प्रॉफिट है, तो उनको हम एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं. मैंने आपको ये बताया भी था कि एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट में से दिया जाएगा. तो आप सबसे पहले एप्रोप्रिएशन के बारे में लिखेंगे. नंबर वन, दीज आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इनका पी एंड एल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, ये एप्रोप्रिएशन में आती हैं. नंबर टू, दीज आइटम्स आर Only given in case of profits. अगर profits हैं ये तो ही दी जाती हैं, मतलब no loss तो कुछ नहीं दिया जाएगा, अगर loss है तो कुछ नहीं दिया जाएगा, अगर profit है तो ही items दी जाएंगी. ठीक है, अब बात करते हैं charge वाली items का. सर charge वाली items कौन सी होती हैं?
चार्ज वाली वो आइटम्स होती हैं बेटा जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही दे दी जाती हैं। सर प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहाँ से आया? ये प्रॉफिट यहाँ से आएगा टू नेट प्रॉफिट। ये जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलता है, क्या ये वही नेट प्रॉफिट है जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है? यही ट्रांसफर होता है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कोई रेंट है, तो सर रेंट आपके लिए एक ऐसा खर्चा है जो आपको देना ही देना है। इट डजंट मैटर कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। आपने कोई लोन लिया, उसका ब्याज है, उसका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आपको देना ही है। इट डजंट मैटर कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस हो। आपके मैनेजर की सैलरी है, आपके मैनेजर की कमीशन है, किसी बाहर वाले का कोई भी ऐसा पैसा है, क्रेडिटर का पैसा देना है, कोई भी ऐसा पैसा है जिसको फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिवली यू आर अर्निंग और नॉट। वो सब चार्ज वाली आइटम्स कहलाती हैं। यानी चार्ज वाली आइटम्स वो आइटम्स हैं जो यू हैव टू पे इन एनी सिचुएशन, समझे? तो चार्ज वाली जितनी भी आइटम्स होती है ना बच्चे, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही लिख दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? फॉर एग्जांपल 1,00,000। तो अब अगर कोई रेंट है तो वो रेंट यहीं लिख दिया जाएगा। अगर कोई मैनेजर की कमीशन है तो वो मैनेजर कमीशन यहीं लिख दी जाएगी। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो यहीं लिख दिया जाएगा। ये सब पे करने ही करने हैं। ये पे करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। अब सपोज ये 20,000 था, ये 30,000 था और ये 20,000 था, तो 1,00,000 में से 20 और 30, 50 और 20, 70 हटाया तो 30,000 का प्रॉफिट बचेगा। ये 30,000 के प्रॉफिट को फिर आप अप्रोप्रिएट करोगे, 30,000 के प्रॉफिट को फिर आप अप्रोप्रिएट करोगे, यानी आप बाद में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये जो जितनी भी आइटम्स प्रॉफिट से पहले की हैं, जो आप P&L में लिख रहे हो, उनको हम चार्ज वाली आइटम्स बोलते हैं। यानी वो सभी आइटम्स जो आपको पे करनी ही करनी है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे आपके पास लॉस हो, यहाँ पे आपके पास कुछ भी हो, ये आपको यहाँ पे करनी ही है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट लिखूं, देखो मालिका दीज आर रिकॉर्ड इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ क्या लिखेंगे चार्ज वाली में? नंबर वन, these items are recorded in P&L account, ये P&L में होती है। नंबर टू उधर क्या लिखा था? these items are given only in case of profits, these are to be paid either in profit or in लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा पे करी जाएंगी। इसके बाद अगर आपको इसके एग्जांपल्स लिखने हो तो एग्जांपल्स में आप समझ सकते हो, ये सारी चार्ज वाले आइटम्स के एग्जांपल्स हैं। रेंट हो गया, मैनेजर का कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये सब चार्ज वाले आइटम्स के एग्जांपल्स हैं। अप्रोप्रिएशंस के एग्जांपल्स होते हैं IOC, सैलरी, बोनस, ये सब अप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। मतलब प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ तक आएगा ही नहीं ना बात, प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ तक बात ही नहीं आएगी, यहीं खत्म हो जाएगी। तो हमेशा याद रखो, चार्ज वाली आइटम्स P&L वाली हैं और अप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स अप्रोप्रिएशन में जाएंगी। ठीक है, डन। चलिए जी, इसके बाद अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक, और छोटा सा तो नहीं, बहुत शानदार टॉपिक है, जिसमें हम सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सीख लिया, लाइक ए का कैपिटल है 5,00,000 और बी का कैपिटल है 3,00,000। अब इसका जो IOC है वो 10% पर एनम के हिसाब से आपको निकालना है। तो 5,00,000 पे कितना बैठ जाएगा? ए का बैठेगा 50,000 का IOC और बी का बैठेगा 30,000 का IOC। तो हमारे पास टोटल IOC कितना हो गया? 80,000 रुपीज़ का टोटल IOC हो गया। ओके, अब हमारे पास इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या केसेस बनते हैं, वो आपको समझने हैं। सबसे पहला केस बनाता हूं मैं। सबसे पहला केस क्या बनाते हैं हम? When there is no deed, सबसे पहला केस बनता है बेटा अगर डीड ही ना हो। नंबर टू, When deed states
to provide IOC when deed states to provide IOC even in case of losses. अब इसमें तीन केसेस बनते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, लॉसेस. यहां भी यही सेम केसेस बनते हैं तीन, सफिशिएंट प्रॉफिट्स, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, लॉसेस. चलो सबसे पहले तो आप ये चार्ट बना लो सो दैट, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको एक एक केस यहाँ पे अच्छे से समझा पाऊँ. चलिए जी, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि दो पार्टनर्स हैं, एक ए है एक बी है, दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया हुआ है, कितनी कितनी कैपिटल लगाई हुई है, 5 लाख 3 लाख, ठीक है. अब पहला वाला केस ये है कि अगर डीड ही ना हो, अगर डीड नहीं है, अभी फिलहाल इसको इग्नोर करना प्लीज, ये लिखा हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल इतना इतना है बस, और डीड नहीं है. अगर डीड नहीं है तो हमने क्या सीखा, इफ देयर इज नो डीड देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पे क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. अब डीड है और डीड बोल रही है, डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड आईओसी, डीड बोल रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. अब सवाल क्या होता है, डीड में बस ये लिखा है कि आईओसी दो, लेकिन अगर मैं लॉस में चला गया क्या तब भी दो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ डीड में, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप आईओसी को क्या मानो, चार्ज मानो, डीड में ऐसा कहीं नहीं लिखा. बस ये लिखा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दो. अगर 10% देना है तो उसके लिए मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होने जरूरी है. अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं दे पाएंगे बेटा. तो दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है कि डीड में आईओसी के बारे में कुछ नहीं लिखा, एक चीज होती है डीड में आईओसी के बारे में तो लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा कि उसको चार्ज मानू या अप्रोप्रिएशन मानू. अगर डीड में आईओसी के बारे में कुछ नहीं लिखा या डीड नहीं है तो आईओसी नहीं दोगे. अगर डीड में आईओसी के बारे में लिखा है लेकिन ये नहीं बताया कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है तो आप उसको अप्रोप्रिएशन मानोगे. नोट कर लेना अपने पास, इफ नथिंग इज मेंशनड अबाउट आईओसी बीइंग चार्ज और अप्रोप्रिएशन, यू विल ऑलवेज कंसिडर इट एज अप्रोप्रिएशन. कीप दिस इन योर माइंड, हमेशा अप्रोप्रिएशन है, कभी भी चार्ज नहीं है. चार्ज सिर्फ तभी है अगर तीसरा केस हो, डीड स्टेट्स To provide IOC even in case of losses, चाहे आप loss में चले जाओ, IOC देना है, यहाँ पे वो charge बन गया. समझ गए, तीन बातें, तीनों अलग अलग बातें, important बातें. Deed ही नहीं है, IOC नहीं होगा. Deed है उसमें लिखा है कि IOC देना है, IOC को appropriation मानोगे. Deed है उसमें लिखा है IOC देना है और charge मान लो तो ही आप charge मानोगे. समझ गए, आओ अब यहाँ आते हैं. Sufficient profit का मतलब क्या है, देखो जैसे deed में हमारे पास ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया, 80,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, 50 और 30 80,000 का आ रहा है, और आपके पास प्रॉफिट 1 लाख रुपये का है, आपके पास प्रॉफिट 1 लाख रुपये का है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपली पूरा का पूरा P&L अप्रोप्रिएशन में दे दोगे या नहीं दे दोगे. यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, आप बोलोगे हमारे पास प्रॉफिट है जी बाय P&L 1 लाख, और ए और बी सपोज इक्वल पार्टनर्स हैं, या आप IOC दे दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का 50,000 और 30,000, 80,000 का आप आईओसी दे दोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20,000 का प्रॉफिट आ जाएगा जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में तो बहुत सिंपल बैठता है, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं तो बराबर बराबर ये प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. मैं ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख देता हूँ, ए और बी ये कैपिटल थी Equal partners means A ratio B is 1:1. All right. Okay, ladies and gentlemen.
चलिए दिस इज डन, सफिशिएंट प्रॉफिट्स क्लियर होता है हमें. इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स क्या होता है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है कि जो आईओसी है वो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है. आईओसी ज्यादा है और प्रॉफिट कम है. भैया अगर आईओसी ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो तो क्या करना है, आओ देखें. फॉर एग्जाम्पल आपके पास आईओसी तो 80,000 का है और जो प्रॉफिट है वो 40,000 ही है. लेट सपोज प्रॉफिट 40 रह गया, इस बार प्रॉफिट 1,00,000 नहीं है, प्रॉफिट 40,000 ही है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे आएगा बाय P&L 40,000 का प्रॉफिट. अब भैया अगर मेरी जेब में है ही 40,000 तो मैं 80,000 आईओसी कैसे दूंगा? मैं दे ही नहीं सकता. मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, जितना प्रॉफिट है उतना ही दे सकता हूँ जितना प्रॉफिट है. इसको हम क्या बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स. अगर अप्रोप्रिएशंस आपके ज्यादा हों किससे, प्रॉफिट से, तो आपको क्या करना है इस केस में, इस केस में डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस. जितना भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, याद रखना इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन. यानी अगर वहाँ पे जो प्रॉफिट जो आईओसी दिया जा रहा था वो 50,000 और 30,000 दिया जा रहा था, तो आप इसी रेशियो में इसको अगर आप कट करो तो 5:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इस 40,000 रुपये को आईओसी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ए और बी को. 5:3 में तो आ जाएगा 25,000 और 15,000. ये हमारा 40,000 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इस केस में प्रॉफिट नहीं बचेगा. प्रॉफिट क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि जितना था सारा आईओसी की फॉर्म में बट गया. इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट होना, कम प्रॉफिट होना. तो बस जितना प्रॉफिट है उतना ही दे दो, समझ गए ना, जितना प्रॉफिट है बस उतना ही दे दो. इंपॉर्टेंट केस है, नोट डाउन कर लो. प्रॉफिट अगर पूरा होता है तो पूरा आईओसी, अधूरा है तो अधूरा आईओसी, सिंपल सी बात है. ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए लॉसेस. सर अगर लॉस हो जाए फिर, अगर 40,000 का लॉस हो फिर क्या करेंगे? तो गाइस सीधी सीधी सी बात है, अगर लॉस है तो उस केस में आप कोई भी आईओसी नहीं दोगे. नो आईओसी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा बच्चे. बस जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. ये याद रखना, अगर कभी भी लॉसेस होते हैं तो आईओसी नहीं दिया जाएगा. एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और लॉस कौन से अकाउंट में बढ़ता है, याद रखना P&L अकाउंट में. लॉस P&L अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या है, व्हेन डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड आईओसी इवन इन केस ऑफ लॉसेस. चाहे लॉस हो जाए आपको आईओसी देना ही है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कंसिडर इवन इन केस ऑफ लॉसेस का मतलब कंसिडर आईओसी एज चार्ज. आईओसी को चार्ज मान लो, और कोई भी चीज जो चार्ज मानी जाती है वो कौन से अकाउंट में जाती है, P&L अकाउंट में. तो ये पकड़ के चलो जब भी आईओसी को देना ही देना है, चाहे लॉस हो तो वो चार्ज है, और अगर चार्ज है तो वो P&L अकाउंट में जाएगा. तो हम क्या करने वाले हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स है हमारे पास. अगर पहला केस सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स वही 1,00,000 रुपए के हैं, तो इस बार बच्चे आपके पास अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, प्रॉफिट्स होने के बावजूद आप P&L अकाउंट में दोगे आईओसी को. ओके, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट. 1,00,000 रुपए का आपके पास प्रॉफिट आया. अब आप क्या करोगे, आईओसी दोगे ए का 50,000, बी का 30,000, 80,000 हो गया. अब आपके पास 20,000 का प्रॉफिट बचेगा. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन, जो कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा.
इसके बाद आप क्या करोगे, एक छोटा सा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, बाय P&L 20,000, और आप फिर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, टू प्रॉफिट ए और बी, ए का 10,000, बी का 10,000, सर 10,000 क्यों बेटा, पार्टनर्स इक्वल थे ना। देखो इस तरीके से होता है, अगर कोई भी आइटम चार्ज वाली हो गई ना, तो चार्ज वाली आइटम P&L में जानी है, मैंने आपको बता दी है ना। तो प्रॉफिट पहले यहाँ पे लोगे, P&L को चार्ज मानना है वो लिखा, फिर जो बचा प्रॉफिट वो अप्रोप्रिएशन में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, IOC P&L में लिखा जाएगा इफ इट इज अ चार्ज। ये है सफिशिएंट प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स कैसे हों, सफिशिएंट। अगर सर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो अब क्या होगा, ये है दिमाग लगाने वाला केस। सफिशिएंट तो आसान था, बस अप्रोप्रिएशन की जगह P&L में जाना है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट वही ले लेते हैं कि प्रॉफिट है मेरे पास 40,000, IOC आपको पता ही है 50,000 और 30,000 यानी 80,000, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि तब भी देना है चाहे आप लॉस में चले जाओ। अब क्या करें सर, अब एक ही अकाउंट बनेगा बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, P&L अकाउंट। एक ही अकाउंट बनेगा जिसको क्या बोला जाएगा, P&L अकाउंट, और सब कुछ इसी में होगा काम। सबसे पहले बाय प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट है आप उसको ले आओ, कितना प्रॉफिट है 40,000 रुपये का। IOC अब आपको पूरा देना पड़ेगा, इसी बात का ध्यान रखना, 50,000 30,000, सर जब पैसा ही 40 है तो अब कहाँ से देंगे, अब बेटा घर से लाना पड़ेगा पैसा, क्योंकि आपको चार्ज मानना है ना, तो आपको देना ही पड़ेगा। तो 80, 40 में से 80 पे करा तो पार्टनर क्या करेगा, लॉस में जाएगा, बाय लॉस, जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ए की कैपिटल और बी की कैपिटल में। 40,000 का लॉस आएगा तो 20,000 ए लेके आएगा घर से और 20,000 बी लेके आएगा, 20,000 दोनों लेके आएंगे, 80,000 ये हो गया इनका काम खत्म। लो सर देखा, तो अगर चार्ज मानना है आपको पूरा देना पड़ेगा तो लॉस में भी चले जाओ। सर क्या लॉस P&L अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यस। अप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जाना है, अप्रोप्रिएशन में लॉस जाना नहीं है। सर अगर कोई और आइटम भी हुई अप्रोप्रिएशन वाली तो भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा यार, क्यों, क्योंकि आपके पास लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो अप्रोप्रिएशन वाली आइटम होगी भी तो आप नहीं दे पाओगे, वो तो तभी देनी है ना जब आपके पास प्रॉफिट हो, प्रॉफिट है ही नहीं तो आप नहीं दे पाओगे, सीधी सी बात है, राइट। तो अगर लॉस में भी चले जाओ तब भी देना है, यानी चार्ज मानना है, तो ऐसे काम होगा, ओके। इन केस ऑफ लॉसेस बता दिया मैंने आपको, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स बता दिया, इन केस ऑफ लॉसेस, अब लॉसेस की बात करते हैं, लॉस के केस में क्या करा जाए। सर सेम केस, बस इसमें प्रॉफिट की जगह लॉस कर लो, फिर से क्या बनेगा, P&L अकाउंट ही बनेगा। इस बार क्या होगा, पहले लॉस को ले आओ, टू लॉस, लेट सपोज 40,000 का लॉस है, क्या सर अब भी IOC देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भाई, चार्ज का मतलब ये होता है चाहे तुम लॉस में भी जा रहे हो तब भी दो। तो लॉस IOC ए और बी, 50,000 ए का IOC है, 30,000 बी का IOC है, टोटल हो गया 80,000 का IOC, 1,20,000, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस हो गया 1,20,000 रुपये का। अब बस ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। देखो 40 का लॉस तो पहले से ही था है ना, और 80 का लॉस और हो गया, क्यों, क्योंकि और खर्चा करना पड़ गया फर्म को, तो टोटल 1,20,000 का लॉस अब ये दोनों झेलेंगे, 60,000 60,000। सर 60,000 60,000 क्यों, ये बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है, ये किस रेशो में बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऑलराइट, ठीक है, कहने की बात ये है, स्क्रीनशॉट ले लो, कहने की बात ये है कि जब भी आपको चार्ज कंसिडर करना है, जब भी आप इसको चार्ज मान रहे हो, चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, चाहे आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, चाहे आपके पास लॉसेस है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि चार्ज मानो, तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तीनों ही केसेस में P&L अकाउंट बनेगा, और तीनों ही केसेस में फुल IOC दिया जाएगा, अगर आपको क्या मानना है, इसको चार्ज मानना है,
तो P&L बनेगा और पूरा IOC देना है तीनों ही केसेस में, चाहे मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट हो, चाहे लॉसेस हो। अगर चार्ज नहीं मानना, यानी कुछ क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो सिंपली P&L अप्रोप्रिएशन सब कुछ दो, इनसफिशिएंट है तो जितना है बस उतना बांट दो, लॉस है तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर DD नहीं है तो भी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से देखने वाला सवाल है, बहुत ही ध्यान से करने वाले केसेस हैं। इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, और आज इस वीडियो को कम से कम दो बार देखना तो बनता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बड़े ध्यान से देखना है। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी शेयर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के, जो आपकी हेल्प करेंगे और आप लोग बहुत आसानी से चीज़ें कर पाओगे, इसकी प्रैक्टिस करो। अब हम कितना ही टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो हम कर पाएंगे और अप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, बस अब बिजनेस स्टडी स्टार्ट करते हैं, सो दैट हम उन सब्जेक्ट्स को भी आगे बढ़ा पाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।